ओके स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, एंड इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस द पेयर्स ऑफ लाइंस। आई हैव रिटन थ्री टाइप्स ऑफ द लाइंस। वन इज द इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, two lines intersect each other if they have a common point. Here PQ is a line, RS is also a line. I had already defined you about the line which is no fixed point. ठीक है, जिसके कोई ending points fixed नहीं होते। अब यहाँ पे ये दोनों lines हैं जिसमें मैंने आपको बोला कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ओ। देखो, क्योंकि लाइन क्या है? पी क्यू। पी क्यू में भी पॉइंट आ रहा है ओ। आर एस में भी पॉइंट कौन सा आ रहा है? ओ। तो आर ओ एस मतलब ओ इज अ कॉमन पॉइंट। जब दोनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं and that common point is also known as the point of intersection. So the two lines PQ and RS intersect each other at point O. यानी यहाँ पे two lines हो और दोनों ही lines एक common point के ऊपर अगर एक दूसरे को intersect करती हैं तो हम उसे कहते हैं intersecting lines. अब जो next हमारा topic है, नेक्स्ट हम लाइन डिफाइन आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी द पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। अगर उन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, जैसे कि आप एज यू सी कि लाइन एम एंड लाइन एन, दोनों ही लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकेंड, डू नॉट मीट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करनी चाहिए। एज यू सी कि लाइन एम और लाइन एन जो है एक दूसरे को मीट नहीं कर रही, कहीं पे भी ये मिल नहीं रही। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे, यानी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए, एंड द सेम डिस्टेंस हेयर। मतलब हर पॉइंट से अगर आप चेक करते हो तो डिस्टेंस मस्ट बी सेम। Now I have drawn the two more lines, that is the line L and line M. But these two lines are not the parallel lines. Why? Because as you see, कि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो यहाँ distance है और यहाँ distance है, दोनों ही distance same नहीं है। यानी यहाँ पे it has more distance, but it has less gap. It has less distance. और दूसरी बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि when I extend this line, जब मैं इस line को अगर आगे और extend करती हूँ और इस line को भी extend करती हूँ, तो ये दोनों lines आगे जाके एक point पे meet कर जाएंगी। जबकि parallel line के पहला ही feature आपको बताया था कि do not meet each other, वो दोनों एक दूसरे को meet नहीं करने चाहिए, चाहे आप उसे कितना भी extend कर लो। अब इस line को अगर मैं इधर extend करती हूँ, इस लाइन को इस साइड एक्सटेंड करते हो, तो जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? नाउ द थर्ड थिंग इज दैट ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल लाइन। जब टू या टू से ज़्यादा लाइंस हो, ठीक है, उन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो एक लाइन, लाइन एम एंड लाइन एन, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है, एज यू सी कि डिस्टेंस सेम है, मीट नहीं कर रही, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और टी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, क्योंकि वो लाइन एम को पी पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और लाइन एन को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं। यहाँ मैंने एक और फिगर ड्रॉ किया, भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने कहा कि एक लाइन पी है, दूसरी लाइन क्यू है, ठीक है, और तीसरी लाइन एम है। अगर मैं कहूँ कि लाइन एम क्या एक ट्रांसवर्सल हो सकती है, तो नो, इट इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि लाइन एम जो है वो लाइन पी और क्यू को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन इसका फीचर क्या होता है कि वो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये लाइन्स कौन सी होंगी? दीज टू आर द दीज थ्री लाइन्स आर कंकरेंट लाइन्स,
इनको आप कंकरेंट लाइन कह सकते हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस वहाँ होती हैं जहाँ पे टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे टू से ज़्यादा लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ एक लाइन पी है, क्यू है और एम है, तो ये कंकरेंट लाइंस हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, इसी से रिलेटेड है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं जब पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब एज यू सी कि यहाँ पे मैंने आप एक लाइन M ड्रॉ करी, दूसरी लाइन N ड्रॉ करी, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनके बीच में गैप इक्वल है और मीट भी नहीं कर रही हैं एंड नो कॉमन पॉइंट। T एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि लाइन M को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और लाइन N को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इंटरसेक्ट किए तो यहाँ पे टोटल 8 एंगल्स बने, एज यू सी एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इन एंगल्स जो 8 बने हैं इनमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं समझाने जा रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स के थ्रू आपको बताया कि दिस इज़ द इंटीरियर रीजन, यहाँ एरो से आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो आपका बन रहा है ये सारा एक्सटीरियर रीजन है। देखो इंटीरियर आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसके इंटीरियर हुआ, अंदर का पोर्शन है, तो इसे इंटीरियर रीजन का नाम दे दिया। जो पैरेलल लाइन की ये बाहर का रीजन है तो इसे एक्सटीरियर रीजन, सेम एज हियर कि एन लाइन के बाहर है ये। ठीक है ना, तो एंगल 7 और 8 और 1 और 2 ये चार एंगल्स जो हैं एक्सटीरियर रीजन में फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसी तरह 3, 4, 5, 6 इंटीरियर रीजन में फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने डिस्कस करने जा रही हूँ वो बता रही हूँ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं जो इंटीरियर रीजन में फॉर्म्ड होते हैं, तो 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स हुए। और एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं जो एक्सटीरियर रीजन में बनते हैं, यानी पैरेलल लाइंस के बाहर बनते हैं, अंदर की तरफ नहीं बनते। पैरेलल लाइंस एम और एन थी, उसके अंदर नहीं बन रहे, बाहर की तरफ बन रहे हैं, दोनों लाइंस के बीच में नहीं बन रहे, दोनों लाइंस के बाहर बन रहे हैं। तो 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब आपने पहली बार सुना होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो एक लाइन M है, ये लाइन N है, लाइन M के जो ऊपर की तरफ एंगल है वो है एंगल 2, इसी तरह लाइन N के ऊपर की तरफ कौन सा एंगल है, एंगल 6। तो 2 और 6 आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह आप देखिए कि लाइन M के नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड में कौन सा एंगल है, 3, और लाइन N के डाउनवर्ड में कौन सा एंगल है, 7। एक ही साइड पे हम देख रहे हैं ट्रांसवर्सल की, ओनली वन साइड देख रहे हैं कि लाइन M के डाउनवर्ड में कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, 3, और लाइन N के डाउनवर्ड में कौन सा एंगल फॉर्म हुआ, 7। तो 3 और 7 क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप इसी तरह दूसरी साइड देखो, ट्रांसवर्सल के इस साइड देखो, लाइन के ऊपर अपवर्ड में जो है वो एंगल 1, अपवर्ड में एंगल 5, तो 1 और 5 क्या हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह डाउनवर्ड में देखो, लाइन M के नीचे की तरफ एंगल 4, लाइन N के नीचे की तरफ 8, तो 4 और 8, ठीक है, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वी नो दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर द इक्वल। तो 2 किसके इक्वल होगा, 6, यानी जितना एंगल 2 जितने डिग्री का होगा इतना ही 6 भी होगा। इसी तरह एंगल 3 जितने डिग्री का होगा उतना ही एंगल 7 होगा। इसी तरह 1 जितने डिग्री का होगा उतना ही 5 और 4 और 8। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे सेम वही फिगर है कि कुछ और एंगल्स बता रही हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ऑल्टरनेट, ठीक है, इंटीरियर, तो इंटीरियर रीजन में जो एंगल्स बनेंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन उसके साथ नाम जुड़ गया अल्टरनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसवर्सल की इस साइड पे जो एंगल है और ट्रांसवर्सल की जो दूसरी साइड पे, अब 3 और 4 ये दोनों एंगल्स जो हैं एडजेसेंट कह सकते हो आप एंगल्स, तो इनको नहीं लेना आपने, यानी 3 के बिल्कुल साथ वाला एंगल नहीं लोगे, 3 के ऑपोजिट। अब ऑपोजिट अगर आप कहो, आप मतलब कहने का मतलब ये कि एंगल 3 है, ये ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है, तो
ट्रांसवर्सल के उस साइड पे एंगल 4 आता है, लेकिन 4 तो लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहा है या एडजेसेंट को, तो 4 को नहीं लेना आपने, 3 किसके साथ लेना है, 5 के साथ। तो एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह 4 और 6 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, देखो एंगल 2 एक्सटीरियर में है, ये ट्रांसवर्सल की इस साइड पे है ना, तो इधर की साइड देखो 1 को नहीं आप ले सकते, उसके अलावा इस साइड पे 8 ही बचा, तो एंगल 2 और एंगल 8 जो है ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह 1, अब एंगल 1 इस साइड है तो इस साइड पे आपने देखना है, लेकिन 1 के साथ वाला एंगल नहीं देखना, यानी इस साइड पे एक्सटीरियर रीजन में कौन सा एंगल है, एंगल 7, तो 1 और 7 क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं इक्वल, इसका मतलब एंगल 2 जितने डिग्री का होगा उतने का ही 8, 1 जितने का होगा उतने का ही 7। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर, यहाँ पे भी एक वर्ड यूज हो रहा है इंटीरियर, अब इंटीरियर है तो वी विल फोकस ऑन इंटीरियर रीजन। अब यहाँ पे देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, अब को इंटीरियर का मतलब कॉमन, मतलब एक ही साइड पे, जैसे ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे इंटीरियर में कौन से एंगल है, 3 और 6, ट्रांसवर्सल की इसी साइड पे इंटीरियर रीजन में कौन से एंगल है, 4 एंड 5, तो 3 और 6 ये क्या है, को इंटीरियर, 4 एंड 5 को इंटीरियर। लेकिन कीप इट इन माइंड कि को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। ऑल्टरनेट हमने कहा इंटीरियर इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल होते हैं, पीछे बताया कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, हाँ उनका सम जो है वो 180 होते हैं, यानी एंगल 3 और 6 इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसी तरह एंगल 4 जितने डिग्री का होगा और 5 जितने डिग्री का होगा, तो 4 और 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दिस इज द को इंटीरियर एंगल। कल मैंने आपको बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो भी इक्वल होते हैं। अब अगर यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट को हम करें तो आप देखिए वर्टिकली ऑपोजिट ही होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट में मैंने आपको समझाया था कि उनमें जो है कोई कॉमन आर्म नहीं होती, कॉमन रे नहीं होती, ठीक है ना। तो जैसे एक एंगल 6 बन रहा है, एक एंगल 8 बन रहा है, तो इन दोनों एंगल्स में कोई भी कॉमन साइड नहीं है, कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन रे नहीं है, तो आप कहोगे 6 और 8 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसी तरह 5 और 7 भी वर्टिकली ऑपोजिट हुए, 2 और 4 भी वर्टिकली ऑपोजिट हुए, और 1 और 3 भी वर्टिकली ऑपोजिट हुए, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे एंगल्स बताए हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।